अपनों को नवाजने के लिए तहरीक इंसाफ और नून लीग में इत्तफाक। नैब की ज़ेर हिरासत अलीम खान और सलमान रफीक को रिलीफ देने के लिए दोनों जमातें एक पेज पर हैं। इस्तेहकाक कमेटी के बाद अलीम खान और सलमान रफीक को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का भी मेंबर नामजद कर दिया गया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अखलाक अहमद बाजवा से। अखलाक बताइएगा। जी बिल्कुल नीलम, इस्तेहकाक कमेटी के बाद अब्दुल अलीम खान ख्वाजा सलमान रफीक को पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 का भी मेंबर नामजद कर दिया गया है, ताकि दोनों बड़ी जमातों के ख्वाजा सलमान रफीक और अब्दुल अलीम खान को रिलीफ फ्राहम किया जाए। दोनों अरकान पहले प्रोडक्शन आर्डर पर इस्तेहकाक कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पंजाब असेंबली आते रहे हैं। इस्तेहकाक कमेटी का इजलास जो है आज गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, जिसके बाद दोनों अरकान को रिलीफ देने के लिए इल्तवा का शिकार पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 के चेयरमैन का इंतखाब कराने का अचानक फैसला किया गया। हालांकि ख्वाजा सलमान रफीक को पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 का मेंबर नामजद किया गया था। अब इस हवाले से अपनों को नवाजने के लिए तहरीक इंसाफ और नून लीग का जो मुख्य मुकाबला है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। जी बहुत शुक्रिया अखलाक अहमद बाजवा।